हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लानबेल सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। तो बच्चों, इसकी क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास में इसके साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक बटन प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ MCQs। विच ऑफ द दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू एडिशन। इनमें से कौन सा वैल्यू एडिशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो कॉन्टमिनेशन एक वैल्यू एडिशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है? क्योंकि वैल्यू एडिशन का मीन्स होता है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है? तो मैन्युफैक्चर, वीविंग और वाटर पॉल्यूशन, ये सब वैल्यू एडिशन है, ठीक है? तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज नहीं है, मतलब इनमें से कौन लिविंग नहीं है, ठीक है? तो रॉक लिविंग नहीं है। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग। विच ऑफ पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इनमें से कौन सा पेयर जो है बाकी के ग्रुप से, मतलब सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? तो कोल एंड स्टोन, ठीक है? क्योंकि बाकी के जो सारे हैं ना, वो एक तरह से, एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो ये होगा ए वाला, वाटर एंड सनशाइन, ठीक है? क्योंकि वाटर एंड सनशाइन जो हैं वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ठीक है? और बाकी के सब ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। तो राइट आंसर इज, इस क्वेश्चन है ए गवर्नमेंट स्कूल इज ए, ठीक है? तो ये नेशनल रिसोर्सेज हैं। आगे देख रहे हैं हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज, तो इसमें आएगा लिविंग, LIVING, लिविंग। विंड एनर्जी इज प्रॉफिटेबल, यूज इन नॉर्वे एंड नीदरलैंड, ठीक है? इसमें आएगा आपका नीदरलैंड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, राइजनिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉजिंग फास्ट डिफ्लेक्शन ऑफ, इसमें आएगा नेचुरल, ठीक है? नेचुरल रिसोर्स, ठीक है? नेचुरल रिसोर्स का डिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो घट रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है? ह्यूमन आएगा इसमें। आगे देख रहे हैं हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से आपका क्या मीन्स है? तो इसका आंसर है आपका, एनीथिंग दैट नीड द मीट्स द नीड्स ऑफ द लिविंग बींग, मतलब वो सारी चीज़ें जो कि एक लिविंग बींग की, यानी कि एक लिविंग्स की नीड को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, वो सभी रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है? दीज आर लिविंग रिसोर्सेज। बायोटिक मीन्स लिविंग रिसोर्सेज, और एबायोटिक लिविंग रिसोर्सेज में आपके प्लांट्स, एनिमल्स आएंगे, ह्यूमन आएगा, ठीक है? एबायोटिक में नॉन लिविंग रिसोर्सेज आएंगे, जैसे लैंड है, मिनरल्स है, फ्यूल है, ठीक है? या नॉन लिविंग में आएंगे। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन से आपका क्या मीनिंग है, ठीक है? तो देखो, वैल्यू एडिशन इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, मतलब वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका एक तरह से सर्विस का प्रोडक्ट और उसको बेचने का प्रोडक्ट, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस आपका वैल्यू एडिशन होता है। ये आपका आंसर है, राइट कर लीजिए। आगे हम देख रहे हैं कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर कॉल्ड रिसोर्सेज, व्हाई इज वाटर कॉल्ड रिसोर्सेज, मतलब पानी को, यानी कि वाटर को रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर जो होता है वो हमारी काफ़ी नीड को फुलफिल करता है। जैसे देखो, यहाँ से इसका आंसर है, इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी वाटर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है, इट सस्टेन लाइफ, लाइफ को सस्टेन करने के लिए पानी की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन एंड इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए भी नेसेसरी है ये, ठीक है? एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर एसेंशियल है। आगे हम देख रहे हैं, नेम द कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द ऑनरशिप, ठीक है? ऑनरशिप के, सॉरी,
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, गिव एग्जांपल, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसकी टोटल क्वांटिटी हमें पता नहीं है एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एज प्रेजेंट टाइम, और जिनको हम प्रेजेंट टाइम यूज भी नहीं करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, मे बी यूज्ड एज ए पोटेंशियल रिसोर्सेज, और हम उसका पोटेंशियल रिसोर्सेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, नेम द कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस्ड पे कैटेगरी बतानी है हमें रिसोर्सेज की, कि ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो इसका आंसर है ये, ऑनरशिप के आधार पर जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं जो कि किसी अकेले पर्सन के द्वारा किया जाता है, एक कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, ये चार टाइप के रिसोर्सेज हैं। आगे देख रहे हैं हम कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन, मतलब ठीक है, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर क्यों है, इसको एक्सप्लेन। इसका आंसर है मैनी ऑफ चैलेंजेस फेसिंग ह्यूमन काइंड सच एज क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वाटर स्कर्सिटी, इनक्वलिटी एंड हंगर, मतलब ह्यूमन के द्वारा काफ़ी चैलेंज फेस किए जाते हैं, जैसे वाटर स्कर्सिटी मतलब पानी की कमी हो जाती है, और क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, हंगर, इक्वलिटी कैन ओनली बी रिसॉल्व, तो ये सभी प्रॉब्लम्स को हम रिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, मतलब हम जो है इन रिसोर्सेज का यूज बहुत अच्छे तरीके से करें, इससे इन्वायरमेंटल बैलेंस हो सकता है और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी एक तरह से इंक्रीज होती है। आगे हम देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, वॉट आर नॉन एज रिन्यूबल एंड नॉन रिन्यूबल रिसोर्सेज, गिव एन एग्जाम्पल, नॉन रिन्यूबल और रिन्यूबल रिसोर्सेज को समझाना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो देखो ये आपका रिन्यूबल रिसोर्स है, दीज रिसोर्सेज गेट रिन्यूड और रिप्लेंसड क्विकली, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं या रिप्लेंस कर सकते हैं वो आपके रिन्यूबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाई एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, मतलब ये किसी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के द्वारा इफेक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बायोटिक की बात करें तो ग्रास गेट रिफ्लेंसेज क्यूकली आफ्टर ग्रेजिंग, यानी कि ग्रास, ठीक है, जो कि एनिमल्स के द्वारा ग्रेज करने के बाद में दोबारा एक तरह से ऑटोमेटिक उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ग्रास ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है, ठीक है। और एक और एग्जांपल यहाँ पर देखो, सिमिलरली कंटिन्यूस ऑफ फ्लो रिसोर्सेज लाइक जैसे सनशाइन है, ठीक है, विंड है, वाटर है, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ना ये रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है, वाटर है, विंड है, विंड एनर्जी हम विंड से लेते हैं तो वो भी एक तरह से अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में आपके आएंगे जो कि लिमिटेड होते हैं, जैसे इनको हम दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेंसड, मतलब इनको रिप्लेंस नहीं कर सकते हैं हम, वंस एग्जिस्टेड का मतलब है कि एक बार ये सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं ये, ठीक है, ये रिसोर्सेज, तो इनको दोबारा हम रिन्यू नहीं कर सकते। इसमें आएंगे आपके कोल पेट्रोलियम, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है, कोल पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ठीक है, मिनरल्स, तो ये सारे एवैटिक फैक्टर्स जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन एज ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, गिवन एग्जांपल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ में बताना है। एग्जांपल देखो, व्हेन ह्यूमन यूज वुड मेटल सैंड, जब इंसान इन चीज़ों को यूज करता है, सीमेंट है इनका यूज करता है, सोलर एनर्जी का यूज करता है, और हाउस को बनाने के लिए, और मतलब हाउस को बनाता है, मशीन बनाता है, कार बनाता है, ब्रिज बनाता है, रोड्स वगैरह है, ठीक है, ये सारे जो हैं ह्यूमन मेड हैं, ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज टू, मतलब जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है ये भी एक तरह से इंसानों के द्वारा ही किया गया है, सो ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा।
तो बच्चों, इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक है, जो कि आपकी क्लासेस लर्न वेल सोशल साइंस की प्लेलिस्ट है। तो उसमें सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से किसी भी चैप्टर को वॉच कर सकते हो। थैंक यू, बाय।